सुबह की चाय और पहाड़ इज माय फेवरेट। तो भोलेनाथ का नाम लेके सारे भाई लाइन से चलते हैं अपना मारम मारम। तो और सुबह हो चुकी है, उठ गए फिर से अगेन और चाय लग चुकी है यहाँ पे, अपनी चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं जल्ले ने। आज जल्ले नाम है फाइनली। सुबह की चाय और पहाड़ इज माय फेवरेट। और हाथ जल गए कुछ देता है ना यार, छूता रस खा ले अपने अपने सो गए अपने, उठ के चाय पी रहे हैं। पाँच बज रहे हैं, ये देखो भाई पाँच बज रहे हैं, पाँच बज रहे हैं, पाँच बजे निकल रहे हैं भाई, पाँच बजे ना भाई, पाँच बजे नहीं है। तो मौसम हो रहा बहुत प्यारा भाई, पाँच बजे नहीं पहले ही उठ गए, पाँच बजे नहीं पहले उठ गए, चालीस हो रहे हैं वो, चार चालीस हैं, आठ नहीं है, चार चालीस हैं। तो फिर यहाँ से निकलेंगे, हाँ जल उठाएंगे फिर हरिद्वार से, आपको दिखाएंगे फिर जहाँ भी रुकेंगे सीधा हरिद्वार रुकना है, ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है भाई। सारे यहाँ से कर रहे थे भाई अपने चेकआउट रिजॉर्ट से और ये चले गए, और आते देखो ऊपर जा रहे हैं, देखो दिख रहे होंगे। अबे रो मत, मेरी बाइक चला लियो, इसे कोई बाइक नहीं दे रहा भाई, ये मेरे साथ जागती कर रहे हैं भाई, अब अपने लेवा नहीं है साथ, तो डरने की क्या बात, स्पेंडर हमारे साथ। तो पानी वानी भर लिया आपने, चल रहे हैं और अब निकल रहे जल लेने, भोले का नाम लेके जल उठाएंगे, भगवान की जय, जल उठाएंगे अपना, बाइक वाइक स्टार्ट करते हैं सब, कोड स्टार्ट मिल गई, तो चलते हैं अपना जल वाल उठाएंगे अपना आराम से भाई, आराम से घर पहुंचेंगे, शाम को जल लगाएंगे फिर व्लॉग को करेंगे एंड। अभी तो स्टार्ट ही करा है, कुछ रह तो नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, वो पीछे बैठ के रो रहा है भाई, पूरा सिस्टम हैंग कर देंगे, ये भी चलने जा रहा है। आशुको भैया कहाँ जा रहा, आशुको भैया गैली चल रहा तेरे भाई, माँ बहन की बेटे चलो, आशु भैया चलो चलो, अरे चलो, अरे खुजा रहा है भैया, और इसकी साल भर गई, अरे यूं ना चल पा रहा, थक गए ये कुछ ये गोदी लेने लायक लग रहा मुझे, तो पहले चढ़ाई करनी पड़ती है और फिर उतरा, अरे जोश बट तो ऊपर चलते हैं अपने बाइक वाइक देखते हैं या चुर गई हैं। वैसे यहाँ वो नहीं है भाई क्राइम, तो यहाँ क्राइम नहीं है बिल्कुल, सीधे सज्जन आदमी है, पर इन जैसे कुछ आ जाते हैं तो उनके ही पैसे मार लेते हैं, एक तो होगी भाई, चलते हैं सब देखते हैं अपना। आजू भैया तेरे पीछे जा रहा आजू, यू ही है वो केदारनाथ जो गधे पे चढ़ गए थे ब्लॉग में दिखाया ना, कच्चर पे। तो सारे भाई अपने आ गए, कोल्ड स्टार्ट हो गई सबकी भाई, कहाँ जा रहे भाई, चल रहे हैं अपना यहाँ से निकलते हैं। तो भोलेनाथ का नाम लेके सारे भाई लाइन से चलते हैं अपना आराम आराम से, आप पीछे पीछे चलेंगे आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, जल उठाएंगे शाम का जल है, शाम को जल चढ़ाएंगे अपना गाजियाबाद। अभी तो बहुत टाइम लगेगा कम से कम हमें वही, क्योंकि जहाँ मिलता मिलेगा और कोई डीजे मिलता रास्ते में तो वो भी कैप्चर करेंगे,
देखते जाना, कहीं मत जाओ। ब्लॉग को कर लो सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, जिससे नए ब्लॉग की नोटिफिकेशन आप ना ले पाए। तो भाई तो नीलगंज से उतरते हुए रास्ते में रुक गए थोड़ा सा पानी वानी पीने को, और थोड़ा सा रास्ता यार ऋषिकेश फिर हद्दार अपना देखो, दिख रहा होगा यहाँ ऋषिकेश, बहुत प्यारा व्यू हो रहा, बादल ला रखे हैं भाई, और मैं सारे भाई खड़ी कावड़िया, तो देख रहे हो कितने सारा लोग आए, सब में श्रद्धा भावना है, आधे में श्रद्धा भावना है, आधे ऐसे आ गए पता नहीं क्यों आ गए, KTM ले गए तो वो आए बोले ने, अभी KTM बेचारी दिक्कत कर रही, कोई बात नहीं हो जाता कभी कभार। तो हो गया अपना लक्ष्मण झूला वगैरह, और ऋषिकेश में इतना देखो कितना पानी है, पानी है ही नहीं, बीच में ना है, तो हमने सारे भाई थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, एक आध फुट वोट खिंचवा के यहाँ से फिर जल उठाएंगे चल देंगे, ऐसे ही थोड़े बड़े रुक के चलते रहते हैं, बाइकों को रेस्ट चाहिए पहाड़ों पे, कोई हीट मार रही है नहीं तो कोई कुछ हो जाता है, तो इसलिए रुक रुक के चलो उससे बेस्ट है। तो ये अपनी स्पेंड रही होगी और 15 वो होगी, KTM होगी, अपने भाई सारे लगे पड़े देखो सिस्टम अच्छा पहन पहन के ले ली वाह। तो गाइस ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, अगेन कह रहा हूँ, और छोटे मोटे ब्लॉगों के लिए हाथ कर लो, अब बताना बोलो नहीं कैसे कर यहाँ पे बोले रास्ता भूल चुके हैं, तो भोले भोले के नाम पर कर दो सब्सक्राइब भाई को, और चलते हैं अभी आगे को बढ़ते हैं, और गंजा बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा हूँ, बड़ा सुकून तक फील हो रहा है। तो यो गाइस हम लोग आ चुके हैं भाई नहर वाले रास्ते पे, तो नहर चल रही है तो भाई बाइक चल रही है, और सारे मित्र आ गए हैं हमारे भोले, और सीन एकदम सेट है, रास्ते में बता रहे हैं थोड़ा बहुत पानी है वो इसलिए क्योंकि हम नहर वाले रास्ते से आए हैं, और ये पाप पड़ता तो रुका ये रे बोल रहे हैं, और मित्रगण हमारे आ गए हैं, चल रहे हैं जल की ओर, बोले बाबा आ लिए बस जल उठाएंगे फिर चलेंगे घर की ओर जल चढ़ाएंगे, तो जय भोले बाबा की, भोले बाबा की लिए लाइक बनता है सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना ना भूले। अपने पीछे से मुझे
तैरती हुई रुक गए हैं, इनके मन में है कुछ। अबे कितनी दूर हो रहे हैं यहाँ से? कुछ नहीं भाई, छिना नहीं। अब लेने जा रहे हैं हम जल, और जल उठाएंगे अब। और हमने ये जल का वो ये ले ली है अपनी, सबने ले ली तीन तीन चार चार, जिसको चाहिए थी इतनी, तीन लेके बैठा है। बेचारी चप्पल लग गई, तो मैं देखो बोले के वक्त बोड़े की चप्पल लगी हमारे की, बोड़े गिर गए पानी में, बड़े रपट गए थोड़े से। चलते हैं स्नान करेंगे, इनको भरेंगे जल को, वापस चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं भोले जी का आशीर्वाद लेकर। तो गाइस अपनी ये सारी बाइक आ चुकी हैं ओम वाले घाट पे, और फिर यहाँ पे अपने स्नान करेंगे, फिर जल वल भरेंगे यहाँ से। हर की बॉडी पे इस टाइम पे भीड़ हो रही है बहुत, और उधर साइड हम गए थे हरिद्वार वाला, ये तो जल ही तो उठाना हमको, तो यहाँ से जल भरेंगे अपने बोतलों में। और नंगा फोटो शूट करा हुआ है, तो देखो भाई सब स्नान करने में लग रहे हैं, और आराम से स्नान करो, कोई बाढ़ नहीं, कोई पानी नहीं है। देखो सब चीज़ मैंने आप लोगों को दिखा दी थी, पर आप क्या हो गए, अब तो भाई आज का जल ही है, मतलब 15 तारीख का। देखो ब्लॉग आएंगे मेरे लेट, ज़रूर देखना और जाके सब्सक्राइब कर लो, अगेन कह रहा हूँ। तो ना वालों ने जल भर लिया है और स्नान कर लिया है, अब कपड़े पहनने हैं, और एक बार भगवान का नाम लेके कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहेंगे इनसे, और निकलते हैं हाथ पाथ जोड़ के घर की ओर, जल चढ़ाएंगे। तो हो सकता है बीच में रुकेंगे तो आपको दिखाएंगे, इसमें थोड़ा सा पेट्रोल जाना है, और कहीं रुके तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो ये व्लॉग हो सकता थोड़ा छोटा हो, पर ज़रूर देखना। और ये हरिद्वार का सीन, कोई डांस बीच में कोई कावड़ मतलब कोई डीजे वगैरह दिखा तो आपको दिखाएंगे, वो भी नहीं दिखा तो देखते हैं जो भी है। अभी तो डार्क कावड़ वाले चल रहे हैं सारे, निकलते हैं सारे भाई और मिलते हैं। तो भाई सब भाई अपने स्नान कर रहे थे तो अभी भोले और जल भर रहे हैं, और हम ओम वाले घाट पे हैं जहाँ स्नान कर रहे हैं, और अच्छा भाई अपने तो जल भरेंगे, अब निकलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि हमें शाम तक घर पहुँचना है 6 बजे तक। तो देखो जल चल भरा जा रहा, ऐसे करके पाप नहीं धुलेंगे भाई। तो बोड़े बोड़े के नाम पे चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं और जय बोलेगी भाई। रुड़की आने वाले हैं और अब चल रहे हैं डाक कवर, सारे जितने डाक कवर वाले बचोंगे, देखो ये डाक कवर होती है जाएंगे, खाली डाक कवर वाले बचोंगे, उसके अलावा कोई बचूंगा। देखो डाक कवर, डाक कवर में चल रुक, लोग आ रहे हैं, खो गए थे जो भीड़ में, आगे चल रही है पेट्रोल कम हो गया, तेल खत्म, एवरेज का एवरेज का आ रहा है का, गिरवाते थे आग को दिखाते हैं भाई। हम रुके थे मुजफ्फरनगर टोल पे, और डाक कवर चलते भाई, इसके अलावा एयरटेजल वाले पहुँच चुके हैं, देख सकते हो क्योंकि भाई आज सब कुछ चढ़ाना है तो लग ही पड़े भाई। चल रहा तब आगे भाई, भाई देखो सब जब इकट्ठे जाते हैं सारे बोले तो लेके चलना चाहिए सबको साथ, इसलिए हम रुक रुक कर थोड़ा इसलिए आते हैं, सबका वेट करते हैं क्योंकि पीछे कोई हादसा घट जाए हम देख ना पाए तो ज़रूरी है भाई। मुझे पता है हाथ में हम छोटे छोटे डीजे देखने को मिल रहे हैं जो चलते रहते हैं कावड़ वाले, बड़े डीजे पता नहीं अभी तक तो मिले नहीं, साथ में लेके आए साउंड दोनों भाई
बाद हम लोग आ चुके हैं मेरे टैक्सस पे और मेरे टोल पे। यहाँ से मुश्किल से लगेगा हम आधा घंटा एक घंटा आधा घंटा मुश्किल से मान ले, फिर जल वल चढ़ाएंगे हम भोले जी को, फिर घर जाएंगे। और भाई बहुत अच्छे तरीके से आ गई, ना कोई किसी का नुकसान हुआ ना कुछ, भोलेनाथ की कृपा है, तो इसलिए आराम से गए थे हम, आराम से आए। इसलिए भाई सभी भाई मेरे आराम से जाएं, आराम से आएं और फ़ोन पर ना लगें चलाते हुए बाइक, बिल्कुल लग नहीं लगे बहुत रिस्क, फ़ोन पर ना लगें बाइक चलाते हुए बहुत रिस्क है। तो इसका है तो मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, अपनी स्पेंडर रहेगी और सारी है गई, दो तीन बाइक पीछे हैं वो आएंगे भी थोड़ी देर में, और चलते हैं हम यहाँ से और फिर जल्द चलाएंगे। शाम हो गई, हमें पहुँच नहीं पा रहे हैं। चुके ताई एम एस और अपना गाजियाबाद, तो गाजियाबाद का मौसम देखो तो बढ़िया हो रहा है, हरिद्वार में नहीं था, धूप ही धूप आ जाएगा गाजियाबाद में कुछ तो ही भाई, बादल सब भाई आ चुके हैं, लक्ष्य भाई हमारे पीछे हैं बोले अपने, तो चलते हैं बोले जी पर जल चढ़ाते हैं और फिर जाके फिर आपको करेंगे एंड। तो कैसा लगा हमारा ये छोटा सा व्लॉग बताना कमेंट सेक्शन में, और जय बोले की जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में, सब्सक्राइब कर दो, सबको बोले ही कसम है। हो चुका है गोविंदपुरम में प्रवेश और ये अब नहीं भाई घोड़े सारे और घोड़े आगे हैं जो पहुंच चुके हैं, 8:30 बजे का डल टाइम है। और देखो स्वागत किस तरीके से खराब बोले जी ने हमारा, कहीं बारिश नहीं मिली गोविंदपुरम में, आगे बारिश मिली जिससे हमें तकलीफ ना हो, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। चलते हैं।